नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कंपटीशन मटेरियल में। सबसे पहले मैं आपका सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी लेके आया हूं। जो मेरे भाई सबसे पहले मेरे साथ चैनल पे जुड़े थे, वो इसी चीज़ से लेके जुड़े थे, जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल है उसकी वैकेंसी कब आएगी। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, मैं भी एक सर्विस दे रहा हूँ दिल्ली पुलिस में एज ए कॉन्स्टेबल, ठीक है, मैं भी भर्ती हूँ। तो दोस्तों, मेरे से काफ़ी लोग इसी उम्मीद से जुड़े थे कि सर हमें कोई जानकारी देंगे। तो देखिए दोस्तों, आपकी जो मेरे से उम्मीद थी उस पर एक वीडियो है, मैं बताऊंगा। मेरे पास एक नोटिफिकेशन जहां से मुझे मिला है, उसमें बताया गया है कि जो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल है उसकी वैकेंसी आने वाली थी। मैंने आपको पहले भी बताया था एक वीडियो के माध्यम से कि दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की वैकेंसी आने वाली है मिनिस्ट्रियल की। देखिए दोस्तों, मिनिस्ट्रियल में होता क्या, मैं सबसे पहले बताऊंगा आपको। मिनिस्ट्रियल है दोस्तों, वो एक ऑफिस जॉब होती है। आपका टाइम होता है 10 से 5 या 10 से 6, 9 से 5, जो भी है आपका टाइम फिक्स किया जाता है। लेकिन आपका एक ऑफिशियल जॉब होता है ये, ना कि आपको फील्ड में कितना काम नहीं करना पड़ता, आपका ऑफिस का जॉब होता है। मेरे मानने में काफ़ी अच्छी जॉब है, हेड कॉन्स्टेबल की है, ठीक है। इसमें एज का क्राइटेरिया है, आप देख सकते हो 18 से 25 साल तक इसमें उम्र होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, आज हम इसी वीडियो में इसी पे बात करेंगे कि क्या नोटिस। देखिए, नोटिस यही है हमारे पास कि जो वैकेंसी है वो 1 तारीख, ठीक है, 1 नवंबर अक्टूबर से 1 अक्टूबर से ऑनलाइन फॉर्म आपके हो जाएंगे दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के। ठीक है दोस्तों, इसमें आपकी क्वालिफिकेशन है वो 12वीं पास होनी चाहिए, आपकी एज है वो 18 से 25 साल तक होनी चाहिए, वो 1/7/2019 को आपकी 18 साल हो जानी चाहिए, मतलब 1/7/2019 को आपकी 18 साल हो जानी चाहिए, तब आप फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। इसके फॉर्म अभी स्टार्ट हो जाएंगे 1 तारीख से, ठीक है। बाकी मैं बता देता हूँ, इसका सिलेबस कोई हार्ड नहीं है, मैंने इसके सिलेबस पर भी एक वीडियो बनाई है, बाकी मैं और एक वीडियो बना दूंगा पूरा इसको क्लियर करके, ठीक है। तो आप मेरे साथ जुड़िए दिल्ली पुलिस से संबंधित कोई भी जानकारी के लेने के लिए, क्योंकि दोस्तों मैं भी इसी डिपार्टमेंट से हूँ। तो उम्मीद है कि मेरा एक्सपीरियंस भी आप भाइयों के साथ शेयर करूँगा, आपको बताऊँगा, क्योंकि देखिए हमें तो इनसे पाला पड़ता है, हमें तो भाई हमारा काम यही है। तो दोस्तों चलते हैं कि क्या नोटिस है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना वीडियो को, शेयर करना। देखिए नोटिस क्या है, आप देख सकते हो यहाँ पे, जो दिल्ली पुलिस है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन। आप देख सकते हो, ऊपर देख सकते हो आप, ओपनिंग डेट है वो 1/10/2019 दे रखी है और क्लोजिंग डेट दे रखी है 30/10, मतलब 1 महीने का समय है आपके पास नवंबर नवंबर में फॉर्म भरने का, ठीक है दोस्तों। अब पढ़ते हैं इसको है क्या। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर मेल एंड फीमेल इंडियन सिटीजन फॉर फिलिंग ग्रुप। देखिए ये भारतीय के लिए वैकेंसीज है, टेम्परेरी हेड कांस्टेबल। देखिए जो पहले भर्ती होते हैं वो कुछ साल के लिए टेम्परेरी होते हैं, जैसे हम भी अभी हम भी भर्ती हुए थे, हम टेम्परेरी ही भर्ती हुए हैं, वो कुछ साल के बाद में इनको परमानेंट कर दिया जाता है। दिल्ली पुलिस लेवल 4 इन पे मैट्रिक्स। देखिए पे मैट्रिक्स क्या है, इसको 25,500 से 81,100 प्लस यूजुअल एंड एडमिसिबल अलाउंसेज आपको अलग से दिए जाएंगे, ठीक है। दे विल बी गवर्न अंडर द दिल्ली पुलिस एक्ट। ये देखिए दिल्ली पुलिस एक्ट के तहत आता है। अब बात करते हैं, एप्लीकेशन फॉर द न्यू एंट्रेंस टू द सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस विद इफेक्ट 1/1/2004 के बाद में। अब देखिए बात करते हैं कि कितनी पोस्ट हैं, क्या क्या पोस्ट हैं, किस किस के लिए है, कौन सी कैटेगरी के लिए पोस्ट है, हम इससे संबंधित बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, देखो नेम ऑफ पोस्ट क्या है, तो आपको भी पता होना चाहिए इस चीज़ का कि नेम ऑफ पोस्ट क्या है। नेम ऑफ पोस्ट है दोस्तों हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, आपको बताया था कि ऑफिशियल जॉब होती है। अब देखिए मेल की जो यूआर की जो जनरल की पोस्ट है वो 140 है, ईडब्ल्यूएस की 37 पोस्ट है, ओबीसी की मेल की बात कर रहा हूँ मैं 86, एससी की 56, एसटी की 73, मतलब टोटल मेल की पोस्ट है वो है 372, फीमेल के लिए है 554, जनरल के लिए 209, ईडब्ल्यूएस के लिए 55, ओबीसी के लिए 142, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार कुछ पोस्ट हैं, तो देखिए ये पोस्ट हैं, मैं आपको बता देता हूँ, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मेरे दोस्त भी हैं मेरे साथ डिपार्टमेंट में, ये काफ़ी अच्छी जॉब है आपकी, ऑफिस की जॉब, आपको ज़्यादा फील्ड में इतना कुछ करने को नहीं मिलेगा, लेकिन आपको ऑफिशियल पूरा नॉलेज हो जाएगा। एक अच्छी जॉब है यार, ऑफिस ऑफिस जॉब तो सबको पसंद है, तो मैं ये मानूंगा कि आप थोड़ी सी तैयारी कर लीजिए। जिस भाई ने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रखी है ना, वही सिलेबस इसके अंदर, आपको बता देता हूँ, वो का वो सारा सिलेबस इसके अंदर है। बाकी मैं सिलेबस पे एक वीडियो बना दूंगा, आप मेरे साथ बने रहिएगा, तो आपको पता चलेगा, हर एक अपडेट बताऊंगा, क्योंकि देखिए दोस्तों
कोई कुछ बताए मुझे नहीं, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो मैं खुद हूँ इसी डिपार्टमेंट में हूँ तो मुझे शायद थोड़ा बहुत पता हो इसके बारे में। ठीक है, अब बात देखें हैं कि चाहिए क्या क्या, किस किस प्रकार से इसकी एलिजिबिलिटी होगी दोस्तों, तो हम उसी पे, आप सबसे ऊपर नोट पढ़िए, 10% वैकेंसीज आर रिजर्व फॉर एक्स सर्विस में। देखिए दोस्तों, इन वैकेंसी में 10% है वो एक्स सर्विस मैन के लिए रिजर्व की जाती है दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं 3% आर रिजर्व, 0.03% आर वैकेंसीज आर रिजर्व फॉर पर्सन विज डिसेबिलिटीज। देखिए दोस्तों, जो डिसेबल हैं उनके लिए भी कुछ इन कुछ परसेंट का कोटा है, 40% अबव देयर, मतलब उनकी डिसेबिलिटी कितनी होनी चाहिए, 40% से ज़्यादा होनी चाहिए। अब्रिवेशन यूज आर यू आर अनरिजर्व, देखिए ये ओबीसी बैकवर्ड क्लास शेड्यूल्ड कास्ट ट्राइब एंड उनके लिए कुछ है। अब देखिए, कैंडिडेट्स फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ पूरे भारत में हर एक आदमी अपना फॉर्म भर सकता है जो इसको 12वीं पास हो, इस एज में आता हो, ठीक है, इसको जो रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल करता हो, वो हर एक इंसान फॉर्म भर सकता है इसका। अब देखिए, एज का मैंने बताया था, एज एज एक साथ 2019 को 18 साल उम्र हो जानी चाहिए। ठीक है, तो देखिए, कैंडिडेट रिलैक्सेबल फॉर द फॉलोइंग, देखिए 18 से 25 है। अब देखिए ओबीसी की उम्र क्या है इसमें, ओबीसी की है 28 साल, जनरल की कितनी है मैं आपको बता देता हूँ, एज बढ़ा के बता दिया था कि मैंने एज इनकी बढ़ा दी गई है, तो अब की बार जनरल की एज कितनी है, अब की बार जनरल की एज है वो 25 साल है, ओबीसी की 28 साल है, एससी एसटी की 30 साल तक के उम्मीदवार फॉर्म भर सकते हैं इसके। पर्सन विद डिसेबिलिटी 35 ईयर, देखिए तो जो लोग डिसेबिलिटी हैं वो 35 साल तक अपना फॉर्म भर सकते हैं, 35 साल तक के फॉर्म भर सकते हैं जो जनरल में है, फिर उनके लिए और बाकी के लिए आप देख सकते हो छूट आपके सामने। ये विडो जो महिलाएं हैं या फिर जिन पेरेंट्स के बच्चे कुछ जिनके पेरेंट्स जॉब में हैं जो दिल्ली पुलिस में, उनके लिए भी कुछ है, स्पोर्ट्समैन के लिए भी कोटा है अलग से, आप देख सकते हो। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, काफ़ी अच्छी पोस्ट है, काफ़ी अच्छी जॉब है, काफ़ी अच्छी सैलरी भी है दोस्तों, आपको बता देता हूँ, क्योंकि सेंटर की, ये भी बता देता हूँ, ये सेंटर की भर्ती होने के कारण इसमें काफ़ी ज़्यादा अलाउंसेज भी हैं, मतलब आपकी सैलरी काफ़ी अच्छी है, जो भी काफ़ी अच्छी है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी समझ में आई होगी, आगे कोई जानकारी लेने के लिए प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आप तक अपनी जानकारी पहुँचा सकूँ। मैं इसके सिलेबस पर एक वीडियो बनाऊँगा, मैं आपको पूरा बताऊँगा कि किस किस प्रकार से वो वीडियो होगी, किस किस प्रकार से इसका सिलेबस आने वाला है, किस कितने कितने नंबर का आने वाला है, क्या क्या टॉपिक आने वाले हैं, मैं उसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, जो आपके लिए लाभदायक होगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। ठीक है दोस्तों, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, शेयर जरूर करना दोस्तों, ताकि दूसरे भाइयों की हेल्प हो सके, और लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। किसी भाई को अपनी राय देनी हो तो प्लीज़ कुछ पूछना हो तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, उसका उत्तर दिया ही जाएगा दोस्तों, बता देता हूँ। ठीक है, खास करके मेरा चैनल है दिल्ली पुलिस से ही रिलेटेड। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे साथ ज़रूर बनिए, आपको ज़रूर फायदा होगा दोस्तों, आगे भी मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा, लाइव आऊँगा तब आप इससे रिलेटेड प्रश्न पूछ सकते हो दोस्तों। अभी के लिए दोस्तों इतना ही, जय हिंद जय भारत।